नवी मुंबई एपीएमसी बाजार में प्याज के दाम 40 से 45 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुका है। वहीं नवी मुंबई की रिटेल बाजार में 70 से 75 रुपए प्रति किलो तक प्याज की बिक्री की जा रही है। होलसेल व्यापारी मनोहर तोतलाली ने अधिक जानकारी देते हुए कहा कि प्याज की आवक कम होने की वजह से दाम बढ़ रहे हैं। पिछले हफ्ते एपीएमसी बाजार में प्याज 15 से 20 रुपए प्रति किलो तक बाजार में बेचा गया था। वहीं रिटेल बाजार में पिछले हफ्ते 25 से 30 रुपए प्रति किलो तक प्याज बेचा गया था। लगभग एक महीने तक प्याज के दाम इसी तरह बढ़ते रहेंगे। अगर बाजार में आवक इसी तरह रही तो प्याज 100 रुपए प्रति किलो तक पहुंच सकता है। देखिए ऐसा है, एशिया में भारत में महाराष्ट्र कांदे में अव्वल, क्योंकि महाराष्ट्र का जो कांदा है टिकाऊ और टेस्टी रहता है। मतलब बोले तो खाने में इतना, देखिए कांदा अपने इंडिया में राजस्थान में गुजरात में एमपी में और महाराष्ट्र में चार जगह पे होता है, चार राज्यों में होता है, लेकिन चारों राज्यों में अपना महाराष्ट्र का अव्वल एक नंबर कांदा जो क्वालिटियों का बोलते हैं, जो खाने में और रखने में जो 6-6, 7-7, 8-8 महीना अपन स्टॉक करते हैं जो कांदा, तो अपना महाराष्ट्र का ही कांदा टिकता है, बाकी और कोई कांदा टिकता नहीं। पहली बात। दूसरी बात कि जो कांदा है, बारिश जून में चालू हुआ, किसानों ने तैयारी किया कांदा लागवड की, तो अभी जो कांदा है वो अपन अगली बारिश का, गई बारिश का कांदा अपन स्टॉक वाला जो जिसको बोलते हैं स्टॉकेज कांदा, वो अभी तक आ रहा है। नया फसल अभी महीना डेढ़ महीना दो महीने के बाद आएगा, क्योंकि एक तो बारिश कम गिरा, जितना बारिश चाहिए कांदे को उतना बारिश गिरा नहीं, तो कांदा जो नया जो उत्पादन है वो तो कम ही निकलने वाला है। मुझे ये कांदा लास्ट तक, मेरे को तो पर्सनली पूछोगे तो आने वाला नया फसल में भी कांदा टाइट रहेगा। अभी 40 से 45 हमारे कांदा बटाटा वाशी मार्केट में बाजार है 40 से 45, और 15-20 दिन पीछे चले जाओ आप, तब कांदे का बाजार था 25 से 35। शॉर्टेज की वजह से कांदे का बाजार बढ़ते जा रहा है। देखिए ऐसा है, बारिश कम होने की वजह से नया जो फसल है वो 1.5-2 महीना लेट है, तो अपने को इसी कांदे को जो स्टॉकेज कांदा बोलते हैं वो अभी 20% रह गया है, तो 20% अपने को 2 महीना चलाना है, तो मेरे हिसाब से बाजार टाइट ही रहनी है, कम तो रहनी नहीं है। मेरे को मेरा पर्सनली मत है कि ये हमारे मार्केट में 1-2 दिन में हमारे कांदा बटाना मार्केट एपीएमसी में 1-2 दिन में 50 रुपये टच करेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। कांद्याचे बाजार आता 40 ते 45 पर्यंत आहेत, कालपर्यंत 35-40 होते, पण आज जरा 40-45 झालेत आवक नसल्यामुळे। एक 8-10 महिन्यापासून कांद्याला 7 रुपये, 8 रुपये, 9 रुपयेच बाजार आहेत, त्याच्यामुळे शेतकऱ्यांचं खूप नुकसान झालं। पाऊस नसल्यामुळे नवीन क्रॉप यायला टाईम लागेल, 1-2 महिने अजून कांद्याचे बाजार टाईटच राहतील। कांद्याचे बाजार वाढायचं कारण 2-3 कारण आहेत, एक 8-10 महिन्यापासून कांद्याला बाजार नाही आहे, आणि दुसरी गोष्ट पाऊस उशिरा झाला आहे, आणि पाऊस पण मुबलक प्रमाणात नाही झाला, त्याच्यामुळे कांद्याचे बाजार हे टाईटच राहतील। हो 100%, 1-2 महिने बाजार टाईटच राहणार। आवाज टुडे, पंकज बिनोसिक रिपोर्ट, नवी मुंबई।